हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल पंवार और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसने एक बार फिर ह्यूमन सिविलाइजेशन को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 10 अप्रैल 2019 को हुई उस ऐतिहासिक घटना के बारे में। और फ्रेंड्स, ये सब हो पाया है 2 साल 12,000 सिमुलेशन, 200 रिसर्चर्स, 60 इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल टेलीस्कोप के कोलेब्रेशन की मदद से। आज हमने उसकी तस्वीर खींच ली है जिसने आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सही साबित कर दिया है। 4 अप्रैल 2019 धरती के सबसे बड़े टेलीस्कोप अपने अपने काम पर लगे हुए थे। इनमें से 2 टेलीस्कोप हमारी गैलेक्सी मिल्की वे और M87 के सेंटर से निकलने वाले रेडियो वेव को मेजर कर रहे थे, और उनके साथ साथ 6 और टेलीस्कोप ने मिलकर एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की मदद से एक इवेंट होराइजन ESD बनाया, जो इतिहास के पहले ब्लैक होल की फोटो लेने वाला था। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक और बात क्लियर कर दूं, इस रिसर्च से पहले आपने आज तक जो भी ब्लैक होल की तस्वीर देखी होगी वो सिर्फ इमेजिनरी थी, यानी एक अंदाजे से बनाई गई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वैज्ञानिकों को पता था स्पेस में एक ऐसी चीज मौजूद है जिसका मास बहुत ही ज़्यादा और उसके मुकाबले उसका साइज बहुत ही कम है, जिससे उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके कारण उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा कि उससे लाइट भी बाहर नहीं आ सकती है। किसी भी ब्लैक होल की डेंसिटी सबसे ज़्यादा उसके सेंटर में होती है, इसी को हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, जहाँ ग्रेविटी इनफाइनाइट होती है। जैसे जैसे इंसानों का स्पेस में इंटरेस्ट बढ़ा, उसने टेलीस्कोप का आविष्कार किया और उसने कुछ ऐसे होते हुए देखा जो तभी पॉसिबल हो सकता था अगर ब्लैक होल जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती हो, जैसे गैलेक्सी के बीच सितारों का ऑर्बिट करना। मानो ये किसी चीज़ का चक्कर लगा रहे हो जो कि इन सितारों को एक ग्रेविटेशनली फोर्स से बांधे हुए हो। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, वैसे ही टेलीस्कोप से दिख रहे इन सितारों को भी किसी बड़े से मास ने ग्रेविटेशनली लॉक करा हुआ है। और इन सितारों को इस तरह अपने अराउंड ऑर्बिट करवाना बहुत ही बड़े मास का काम हो सकता है। लेकिन अगर वह कोई ऑब्जेक्ट होता तो टेलीस्कोप में जरूर दिखता, लेकिन वह दिखाई नहीं दिया। और यह तभी हो सकता है जब वह कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल हो। इस फोटो में हमें एक ब्लैक होल के चारों तरफ एक ग्लोइंग मटेरियल दिख रहा है। ये मटेरियल फ्रिक्शन की वजह से कई मिलियन टन डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा गर्म होते हैं, और कोई भी चीज़ अगर इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है तो वह एक्सरे एमिट करना शुरू कर देती है, जिसे टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। किसी भी ब्लैक होल को देखना या उसकी फ़ोटो खींचना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि या तो हमसे बहुत दूर होते हैं या आकार में बहुत ही ज़्यादा छोटे। किसी भी ब्लैक होल की फ़ोटो लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है, जैसे उस ब्लैक होल के आउटर पेरिफेरी से लाइट की वेवलेंथ इतनी ज़्यादा होनी चाहिए जो रास्ते में आने वाले गैस और धूल के बादलों से बिना एब्जॉर्ब या स्कैटर्ड हुए, हमारी धरती के एटमोस्फियर से बिना रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट हुए धरती पर मौजूद सुपर स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप तक आ सके। इन ब्लैक होल की लाइट की वेवलेंथ 1.3 mm थी, जो कि रेडियो वेव की रेंज में आती है, और इन सिग्नलों को हमारे टेलीस्कोप द्वारा कैच कर लिया गया। इस फोटो की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को तभी लिया जा सकता था जब हमारे धरती का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा हो कि वे 8 के 8 टेलीस्कोप इसे एक साथ देख सके। और फ्रेंड्स, ऐसा साल भर में बस एक बार होता था। जी हाँ, सभी टेलीस्कोप में इन्फॉर्मेशन आने के बाद वह इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी कि उन सब हार्ड डिस्क को एरोप्लेन की हेल्प से ट्रांसफ़र करना पड़ा, और उन सभी 8 टेलीस्कोप से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उन्हें फिल्टर किया गया ताकि इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टअप किया जा सके और नॉइज़ को कम से कम रखा जा सके। यहाँ इमेज नॉइज़ की बात की जा रही है, ना कि साउंड नॉइज़ की। जी हाँ, जैसे कि इस फोटो की सारी इन्फॉर्मेशन है और ये बाहर का पोर्शन इसका नॉइस है। इन सब टेलीस्कोप की इन्फॉर्मेशन एक पजल की तरह थी जिसे एक स्पेशलाइज टीम ने मिलकर कैलकुलेट और एनालाइज करा और सबके सामने रखा, लेकिन फिर भी ये फोटो सामने नहीं आई। फिर सारे इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद 4 ग्रुप बनाए गए जिसमें हाईली स्पेशलाइज लोग थे, और उन सभी ने महीनों तक इस इन्फॉर्मेशन पर काम किया और इस फोटो को बेस्ट से बेस्ट बनाने पर काम किया। अब आप सोच रहे होंगे 4 ग्रुप क्यों लिए होंगे, सब मिलकर भी तो काम कर सकते थे। वेल, ये चारों ग्रुप सेम इन्फॉर्मेशन पर काम कर रहे थे, और ऐसा इसीलिए किया गया ताकि ये देखा जा सके कि ये चारों ग्रुप सेम तस्वीर बना पा रहे हैं या नहीं, कहीं हमारे पास
इस फोटो को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन की कमी तो नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स आखिरकार इन सबकी मेहनत रंग लाई और ह्यूमन सिविलाइजेशन की पहली असली ब्लैक होल की तस्वीर मिल गई। तो फ्रेंड्स इस तरह 10 अप्रैल साइंस और पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा दिन बन गया है। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ अगर आज आइंस्टीन जीवित होते तो उनके चेहरे पर एक लंबी और गहरी खुशी होती। तो फ्रेंड्स वक्त आ गया है अपने सभी करीबियों के साथ इस वीडियो को शेयर करने का, क्योंकि इसी तरह हम अपने देश में भी लोगों को विज्ञान के प्रति आकर्षित कर पाएंगे, ताकि अगली बार कुछ ऐसी बड़ी खोज हो तो उसमें इंडिया का नाम भी आए। और ऐसी ही साइंस रिलेटेड मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, ताकि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।